हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। गाइज, फाइनली हम आ चुके हैं फिर से वर्सोवा लिंक रोड पर, और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के सबसे फेमस सिंगर में से एक हिमेश रेशमिया का घर। जी हाँ दोस्तों, हिमेश रेशमिया को आज के टाइम में कौन आखिर नहीं जानता होगा। उन्होंने इतने हिट हिट गाने गाए हैं और वो एक बहुत ही बड़े सिंगर और राइटर, जो सिंगिंग राइटर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग में। गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुंबई के वर्सोवा लिंक रोड पर, और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के सुपरस्टार सिंगर हिमेश रेशमिया का घर। जी हाँ दोस्तों, हिमेश रेशमिया को इस टाइम में कौन नहीं जानता होगा। वो बहुत ही अच्छे सिंगर और राइटर भी हैं, और फिल्म निर्माता निर्देशक भी हैं, जो खुद गाने लिखते हैं, खुद गाते हैं, और उनके सारे गाने ना हिट जाते हैं। आप लोगों ने उनके गाने झलक दिखला जा, नाम है तेरा तेरा, आपका सुरूर, ये सारे गाने आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इस गाने को उन्होंने ही गाया है। उनके बहुत सारे गाने हैं, अभी हम आपको नाम आगे चल के बताएंगे, और फिलहाल आप लोग तो हिमेश रेशमिया को जानते ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमारे हिमेश रेशमिया भैया मुंबई में कहां पर रहते हैं, उनका घर कहां पर है, उनके माता पिता कहां पर हैं, उनके फैमिली में कौन कौन है, उनके घर की प्राइस क्या है, उनके घर का एड्रेस क्या है, उनका नेटवर्थ क्या है, वो कितना कमाते हैं, और उनका स्टूडियो वगैरह कहाँ है। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, और आपको उनके घर का टूर भी कराएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। फिलहाल मेरे पीछे ये गली गई हुई है, उसी गली में हमारे हिमेश रेशमिया जी का घर है, तो आइए चलते हैं। तो गाइज, इनके घर के सामने का कुछ ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको छोटा सा पार्क मिल जाएगा, जहाँ पे अगर आप लोग थके ओके हैं तो आकर बैठ सकते हैं, ठीक है। और यही आगे आपको चलना है, जहाँ पे हमारे हिमेश रेशमिया का घर है। तो अभी हम आपको गली दिखा देते हैं, ये है पार्क, और ये है भैया सी सेल अपार्टमेंट। इसी के अंदर हमारे हिमेश रेशमिया जी का घर है, अभी हम आपको अंदर भी ले चल के दिखाते हैं। दोस्तों, हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 को भावनगर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम है बिपिन रेशमिया और माता का नाम है मधु रेशमिया। आपको बता दें, इनके एक और भाई थे जिनका महज 11 वर्ष की आयु में ही एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद न चाहते हुए भी अपने पिता की इच्छा के कारण ये संगीतकार बने, यानी कि गाना गाना इन्होंने शुरू किया, और आज के टाइम में बहुत ही बड़े बड़े संगीतकारों में इनकी गिनती की जाती है। इन्होंने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं, और इनकी फ़िलहाल दो शादियां हुई हैं और बच्चे भी हैं। फिलहाल इनके पत्नियों का क्या नाम है, इनके बच्चों का क्या नाम है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताता रहूँगा। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में डीपली जान लेते हैं। गाइज, आप लोग जो ये नज़ारा देख रहे हैं ना, इसी गली के रास्ते हमें सीधे चलना है अंदर, जहाँ पर वो कार खड़ी है, और वहाँ पर उनके घर का, उनके बिल्डिंग का गेट है, वहाँ से आपको एंट्री मिलती है। तो सभी लोगों को जाना अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको किसी तरह अंदर चल के उनके घर को दिखाऊँगा, जहाँ पर हिमेश रेशमिया अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो देखिए, आपको व्हाइट कलर की एक बिल्डिंग दिख रही होगी यहीं से, जो कि बहुत ही लग्जरी बिल्डिंग है, जहां पे माने जाने सिंगर सुपरस्टार अभिनेता हिमेश रेशमिया रहते हैं, वही बिल्डिंग है, उसी घर में वो रहते हैं। देखिए, यहां पर साइड में गली में हर जगह गमले में फूल लगाए हुए हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सजाया भी गया है। तो उनके घर के सामने का कुछ ये नज़ारा है, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बगल में एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलेगी, इधर से देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये रास्ता जो है ना, ये वर्सोवा लिंक रोड है, और इसके आगे इनका एक और नया घर है। देखिए, गाड़ी जो जा रही है ना अंदर, इसी बिल्डिंग में वो जा रही है गाड़ी, और वहीं हिमेश रेशमिया रहते हैं। आपको बता दें, हिमेश रेशमिया का मुंबई में एक और घर है, और उनका खुद का स्टूडियो भी है। मैं जल्द ही आपको उनके नए घर का ब्लॉग बनाऊंगा, जहां पे फराह खान मैम भी रहती हैं। आपको बता दें, वर्ष 1998 में आई प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड फिल्मों में हिमेश रेशमिया ने संगीतकार के रूप में पदार्पण किया था।
और कुछ ही वर्षों में हेलो ब्रदर जो 1999 में आई थी, कुरुक्षेत्र 2000 में आई थी, जोड़ी नंबर वन 2001 में आई थी, हमराज 2000 में आई थी, ऐसी जैसी फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है। हमराज के लिए इन्हें इनका पहला फिल्मफेयर नामांकन भी मिला था। इसके बाद 2003 में इन्होंने तेरे नाम फिल्म में संगीत दिया, जिसकी संगीत एल्बम उस वर्ष की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एल्बम थी। हिमेश रेशमिया ने साल 2007 में फिल्म आपका सुरूर से एक्टिंग में डेब्यू किया था। अभी हम आपको हिमेश रेशमिया जी के घर को अच्छे से दिखाते हैं, तो चलिए गली के रास्ते से हम अंदर चलते हैं। और आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेन गेट आपको दिख रहा है और यहां पर आपको एक बिल्डिंग दिख रही है जहां पर ग्लास की खिड़कियां दिख रही हैं, कांच की खिड़कियां दिख रही हैं। अभी हम और आगे चलेंगे और आपको और नज़दीक से इनके घर का ये नज़ारा दिखाएंगे। आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया पहले ऐसे भारतीय कलाकार हैं जो शूटिंग के लिए जर्मनी यानी कि लंदन में भारतीय ऑटो लेकर चले गए थे। सिर्फ ऑटो ही नहीं बल्कि ड्राइवर भी ले गए थे। इस सीन को शूट करने के लिए साल 2007 में करीब 75 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो चलिए थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको इनके घर को थोड़ा नज़दीक से बारीकी से दिखाते हैं। तो ये आप लोग जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर हिमेश रेशमिया रहते हैं। और आपको हम सबसे बड़ी बात बता दें कि कहते हैं लोग कि ये जो बिल्डिंग है पूरी बिल्डिंग उनकी है। तो ये जो नज़ारा है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदाज से यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो मैंने अगल बगल के कुछ लोगों से पूछा भी तो लोगों ने कहा नहीं, सिर्फ इसमें उनके दो फ्लैट हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरी बिल्डिंग उनकी है। तो अभी मुझे इसका कन्फ्यूजन है, लेकिन वर्सोवा में उन्होंने अपना नया फ्लैट खरीदा है। और नज़दीक से जूम करके हम आपको दिखा दें तो देखिए आगे इनके बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी लगाई गई है और किस तरह से इनके इस बिल्डिंग को बनाया गया है। बगल में भी देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल है और काफ़ी शांत इलाका है। तो और आपको हम बता दें ना कि 2006 में यह लंदन के विलम्बे स्टेडियम में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय कलाकार बन चुके हैं। जी हाँ, ये है हिमेश रेशमिया जी की ताकत। हिमेश रेशमिया जब 21 वर्ष के थे तब 1995 में इन्होंने कोमल से शादी की थी। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है स्वयं रेशमिया। 2016 में दोनों ने आपस में सहमति से तलाक के लिए आवेदन दिया था, जो कि 2017 में स्वीकृत कर लिया गया था। फिर 2018 में हिमेश रेशमिया ने टीवी अभिनेत्री सोनिया कपूर से विवाह कर लिया। इनके अगर नेटवर्थ की बात करें तो इनका टोटल नेटवर्थ करीब 80 करोड़ रुपए है और मंथली ये 50 लाख से ज़्यादा रुपए कमाते हैं, और सालाना की बात करें तो 6 करोड़ से ज़्यादा ये कमा लेते हैं। ये एक गाना गाने के लिए करीब 20 लाख रुपए चार्ज भी करते हैं। इनके पास BMW 6 सीरीज की कार है जिसकी प्राइस 1.3 करोड़, और मर्सिडीज बेंज भी है जिसकी प्राइस है 2 करोड़ रुपए। हिमेश रेशमिया का HR नाम से एक म्यूजिक स्टूडियो भी है, और इन्होंने अभी हाल ही में वर्सोवा लिंक रोड के आगे फराह खान की बिल्डिंग में अपना नया घर खरीदा है। जल्द ही उसका ब्लॉग भी दिखाऊंगा। और गाइज आप लोग बगल में एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, इन भाई के चैनल का नाम है रणविजय ब्लॉग्स और ये बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, तो स्क्रीनशॉट देख लीजिए आप लोग। इनके वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो भाई को सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। भाई इस समय गाने की शूटिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा ये ब्लॉग बनाते हैं, तो इनको पूरा अपना फुल सपोर्ट दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको हिमेश रेशमिया के घर के साथ साथ उनके बायोग्राफी के बारे में भी पूरी जानकारी दे दी है और उनका घर भी दिखा दिया है कि वो मुंबई में कहां पर रहते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।